इमाम हजरत इमाम अली नकी दे दौर च मुतवक्कल सी। मुतवक्कल नू रूम दे बादशाह ने खत लिखिया, उस आख्या साड़ी इंजील च लिखिया कि अल्लाह ने एक सूरत नाजल की है जिद से कोई नहीं, जीम कोई नहीं, खे कोई नहीं, साल कोई नहीं, शीन कोई नहीं, सोए कोई नहीं, तो फे कोई नहीं। ये सात हरफ कड़ी सूरत च नहीं, जड़ी पढ़िए तो निजात हो जाती। उस जो बेवारस है कुरान से इकट्ठा कर लिया। की सुन रहा हो यार, मैं हूं तुम्हें गल सुना पैनी। मैं एक बार खुस्सा बड़ा चंगा कितों लैं, बहुत अच्छी किस्म का खुस्सा, वह मैं पा के बैठा। दो मेरे दोस्त सन, दोवे अहले सुन्नत, फारूक एक का नाम सी, समझ आ गई, एक का नाम जुल्फकार। वो दोवे मेरे नाल ऐ लद्दे वाला विरका तो असं बैठे रात में जश्न पढ़ के लाहौर पढ़ना सी। मैं क्या आओ तुम जश्न अली विखाई। वो मेरे नाल बह गया, दोवे मेरे दोस्त सन पुराने, वो मगरली सीट पर बह गया, मैं अगली सीट पर खुसा पा के बैठा सा। नाल एक बंदा मैनू आंदा, चौधरी साहब कितों आए? मैनू जिंदगी किसी बंदे पहली बार चौ, मैं तुम्हें तो सही गल दस ना, वह मैनू सुखा गया। ये सुखा पता किनू आंदे? कई बंदे सईद नहीं होंगे तो एवं अलम लाया होंगे ना जी, वो कम मंगा ना आके आके ना सईदा सरदारा का वेड़ा वसदार है, वह भी चुप कर रहे। वो सदके जावा बात रहे, वो भी चुप कर रही, वो जाके दस रुपये देंदे ने तगड़ा दा, बाबा जी उन्होंने हाथ फेर छो। शौकत साहब तुसी जान दो, इत्थे एक बंदा सा जे मलक, मैनू नहीं सी पता, मैं बादशाह को जान लग पाया नहीं, वो आला असर जेड़े ने दीने वाले बादशाह, आगा लाल बादशाह, आगा शेर बादशाह, आगा वड्डे, आगा जान दे बेटे, उन्होंने को मैं जान लग पाया। तो मैं जदों जान लगा त्रै, मैं मुहर्रम पड़े त्रैवे मुहर्रम, एक बंदे दे मैं गोडे हथ लादा रहा, वह मैनू प्यार अल भला भला, मैं हथ लाना सारा भला, हाथ लाना भला, वो मजलिस किसी तरीके रह गई, पता नहीं की हो। मैं किसी बंदे आख्या वड्डे जाकर नू, जिहड़े पुराने मशहूर जाकर ने, मैं क्या वो सैयद सरदार ने तो नाराज हो गए की ना ने, मैं क्या शौकत शाह साहब, उस आख्या वो मलक शौकत कदों सैयद ही फलाने पिंड वाला। और मैं क्या त्रै साल मैं उहदे गोडे नू हथ लाया, उन्हें आख्या भला हो भला हो, उस आख्या कुरान की कसम वो सैयद नहीं। ओह जिन नाराजगी की सुलह होने लगी ना जड़े बने, आगा साहब आख्या आ भाई मौलवी तेरी शौकत ना सुलह कराई, उस आख्या चलो कोई गल नहीं छोड़ो पर। मैं क्या जी इन आखो मैं नहीं आ सका किसी वजह तो, माफ़ी दे छड़े कोई गल नहीं, मैं साखिर हाँ जान देवे गल, एक मेरी मेहरबानी करनी जी। उस आख्या की मैं त्रै साल है मेरे गोडे नू हाथ ला, जिमें मैं उवें इन्हें त्रै साल मैं दसिया ही नहीं, मैं सैयद नहीं। मैं क्या हाथ लाए वापस कर मेरे अजीज़ो, मैंने जिंदगी किसे पहली बारी चौधरी आख्या से, मैनू वो सुखा गया। मैं वो खब्बी लत चुक सजी तो रख बस जी, मैं तो होर दा होर ही हो गया, अखा लाल हो गई। वो मैं आखन लगा कि इलाके चो आया, मैं सियालकोट आंदा, अजकल की बीज दे मैं क्या आलू। देखो जिमीदारा के पिंड च रेंदे हाँ, जिमीदार वाली गल्लां तो बंदे नूं आई जांदी। शौकत साहब नूं जिहड़ा बंदा मुतवातर सुनदा तो कोल बहिंदा, उहनूं शायरी दे कुछ ना कुछ गल्लां बातां रमूस नहीं यार, रमूस तो वाके ना वाके गल्लां बातां आई जांदियां। आज जिवें उह शौकत नूं पता लग गया सी बाबा किवें बणींदा ते प्यार किवें देईदा, भलाओ लो जनाबे आली, वो मैनू उस आखन लगा आलू। मैनू गल्लां बात पिंड की वजह तो आदि सन, तो पिछे दो जिमीदार बैठे ने पिंड सुनते ने पर ना, वो अंज करके दोवे हो गए अंज अगली सीट ना अंज आके ध्यान ना सुनिए गल की होंगी, वो दोवे अंज सुते ने सुनते सारी सन। मैं आख्या आलू बीजने किमें बीज दो, मैं पहले सूरजमुखी बीजने, सूरजमुखी उतो कट के थलो टांडे होंगे ने, टांडे तो रूटावेटर फेरने, रूटावेटर तो मैं पता सी ना, ना शाह मैं आते सन, मैं रूटावेटर फेरने वो काने सारे टुकटे टुक जाते निके निके हो जाते हैं, उन्होंने खाद बन जाती, वह काने खाद का काम दे जाते सूरजमुखिया के थड़े काने।
उतो 20 लाख वेच छड़े वखरे ओ काने खाद बन गए उतो वरियाल करके ते जनाब उतो दो तरह हल फेर के ते फिर जनाब उथे आलू बीजने वैणा बना के अजकल मशीन आ गई ने बच आलू डिगते जाते हैं ओ मैनू आंदे ने एक किले च 20 किन्ना पांदे हो आलू मैं तुहानू बना के गल सुनावा ते मैं मुजरे मां मौला दा मैं तुहानू सही गल पर सुनाना ओ मैं ते ना मैनू फिर हिसाब ना लगा भी सिर थले वे उत्ते वे मैं क्या हैं जी वह कह लगा एक किले च किन्ना बी पाते हो आलू ना वह मगरों उन्हें एक मुंडा बिचो बोल पे वह हिसाब लाया पे मौलवी फस गया हूँ ये हार गया तो ये नहीं पिंड की बिस्ती हो भाई बड़ी बड़ी गल से पहुंचे हो भाई बड़ी जल्दी पहुंच गया मेहरबान बड़ी जल्दी पहुंच गया और दूर पहुंच गया उन्हें हिसाब लाया हूँ होनी है पिंड की बिस्ती भी तलियाड़ा सारा ढिलुआ का है तो यह बने ढिलू कल्याड़ा सारा ढिलवाद ये बनया ढिलू तो है नहीं बनया है तो है नहीं ये लै गया सारे पिंड दवाई पै जानी उन्होंने इन्ना भी पता नहीं वो अपनी इज्जत वास्ते मगरों बोले ने हम आए तो च नहीं कि जागता पा कि मजा सुन दिया हम आए तो च नहीं बोले अपनी इज्जत वास्ते बोले उन्हें बड़ा स्वाद किया हो सकता वह भाइया की आना ओ भाइया की बयान है हो सका कुछ भी नहीं मैं तुहाडे नाल नहीं मैं चौधरी साहब नाल उन्होंने खुशा ही कोई नहीं सन हो सका मैं चौधरी साहब नाल हो सका इधर मो इधर मुकर ए चौधरी साहब साढ़े बड़े भाई ने वो तो सारा दिन कचहरी होंगे उन्होंने पता कि भी पाई है बड़ी बड़ी बरीकी नाल हो सका भारी तो सारा दिन कचहरी होंगे शाबाश वे तेरे जमन से उन्होंने इस तरह ना समझ आई ये रोज रात वाले को पुछने पैली का बत्तर इन्ना तो कि बी पाना है ए बत्तर नहीं तो कि बी पाना हो सकता वह बत्तर तो सानू पता किनू पता वह फिर बत्तर लग गया ना उन्हें क्या सानू पुछ उन्हें उधर मूंह किया तो लग पाया पुछ कि बी पाते तो मैं कोलो आप पुछ और पुछ और पुछ अंदरों मैं मुतमिन हो गया ना लेकिन अंदर मेरे खतरा सी कि जेड़े वेले बस तो थले उतरे इन्हें मैं पूछना मौलवी तू जो चौधरी नहीं आए आए वो तेन तकलीफ की बनी मैं उतरद उतरद ही आग छता सी चौधरी अज तुसी ना ना होंगे तो मैं हलाक हो गया मौला थानू आवाद शाद रखे बहुत शुक्रिया जनाब गल मुकम्मल हो गई मौला थानू वस्ता रखा क्या बात सदके जाओ जी आभार रहो क्या बात एदा मतलब है जेड़ा बनया हो आज ना फड़िया जाए तो कल फड़िया जाएगा परसों ना फड़िया जाए तो चौथ फड़िया जाएगा रब्बे मुहम्मद की कसम जो बेवारसी उन्हें कट्ठे करके तो मैं तवक्कल ने आख्या दसो ए सात अरब केड़ी सूरत च नहीं उन्हें आख्या सानू नहीं पता केड़ी सूरत च ते लभण दी भी कोई सूरत नहीं ये भी नहीं पता सूरत केड़ी है ते लभण दी भी कोई सूरत नहीं आखिर खुदा दी कसम किसे ने किसे नू की आखना सी इनू आंदे नहीं हक मुतवक्किल खुद बोलिया हो सके आए बकवास बंद करो हसने असगरी को ले आओ हाय हाय आबाद रहो जना इमामे हसने अस कहा इमामे अली नकी इमामे अली नकी को ले आओ इमामे अली नकी तशरीफ ले आए आके फरमाते ने पूछो गे या मैं बताऊं क्या पूछना चाहते हाय हाय पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछना चाहते हो यही पूछना चाहते हो ना कि ये जो हरूफ है से जीम खेजार शीन जोए फे और हाँ फे ये सात जो है ये किस सूरत में नहीं है मेरे इमाम अली नकी फरमाते ये सूरह फा